नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। तो आज हम आपको बताएंगे राशिफल के बारे में। आपको बता दें, ये राशिफल चंद्र राशिफल आधारित पुकार नाम के अनुसार है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम मेष राशि की। दिन की शुरुआत में क्रोध हावी रहेगा। मन माफी काम ना होने से परिजनों पर नाराज होंगे। नौकरी में नया प्रस्ताव मिलेगा। धार्मिक रुचि बढ़ेगी। व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में ना पड़े। अब बात करेंगे वृषभ राशि की। निवेश किए धन से अर्जित होने वाले लाभ में विलंब होगा। अर्थव्यवस्था बिगड़ने से निर्माण कार्य की गति प्रभावित हो सकती है। संतान के लिए निर्णय लेने में दुविधा होगी। चलिए जान लेते हैं मिथुन राशि क्या कहता है। कार्यस्थल पर अपने पराक्रमण की प्रशंसा बढ़ेगी। व्यापार में नई योजनाओं का प्रारंभ होगा। कम समय में अधिक लाभ अर्जित करने के चक्कर में ना उलझे, मेहनत करे। जल्दबाजी नुकसानदायक रहेगी। आगे कर्क राशि के बारे में भी जान लेते हैं। आज विशेष उन्नति कारक योगों के कारण मन में प्रसन्नता रहेगी। कार्यस्थल पर अनुकूल परिणाम के लिए सक्रियता आवश्यक है। भवन निर्माण के लिए ऋण लेना पड़ सकता है। मन को भक्ति भाव में लगाने की कोशिश करेंगे। देखिए सिंह राशि। आलस को त्यागने से रुके कार्य में सफलता मिलेगी। पूंजी निवेश में सोच से अधिक लाभ होगा। अपनी कार्य योजना और निर्णय पर अमल करना जरूरी है। किसी के प्रति आकर्षित होंगे। तो चलिए जान लेते हैं कन्या राशि के बारे में। आज का पूंजी निवेश लाभदायी रहेगा। कार्यस्थल पर मान सम्मान की प्राप्ति होगी। व्यापार में वृद्धि होने के कारण काम आपकी योजनाओं के अनुसार होंगे। वायु विकार से पीड़ित रहेंगे। आगे बढ़ते हैं तुला राशि के बारे में। स्थायी संपत्ति कार्य करने में जल्दी ना करें। परिवार की समस्या का समाधान होगा। निजी कार्य की व्यस्तता रहेगी। सामाजिक कार्यों में सम्मान प्राप्त होगा। ऐसे में समय रहते जरूरी दस्तावेजों को संभाल ले। जानिए वृश्चिक राशि के बारे में। आज रचनात्मक काम होंगे। नवीन अनुबंध व समझौतों के कारण आपके लाभ में वृद्धि होगी। जन कल्याण की भावना के कारण प्रतिष्ठा बढ़ेगी। दैवीय कार्यों में दिन बीतेगा। आगे बढ़ते हैं धनु राशि के बारे में भी जानिए। सामाजिक कार्यों में सुयश मिलेगा और आपके प्रभाव में वृद्धि होगी। व्यापार अच्छा चलेगा। परिवार से सहयोग मिलने से कार्य आसानी से पूरे होंगे। अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी की ओर विशेष ध्यान दें। पारमार्थिक कार्यों में धन लगेगा। जानिए मकर राशि के बारे में। कार्य की अधिकता के बीच कार्य की सफलता से मनोबल मजबूत होगा। अजनबी व्यक्ति का विश्वास ना करें, धोखा मिल सकता है। कार्य क्षेत्र में वृद्धि के योग है। सक्रिय होने के कारण संबंध व परिचय क्षेत्र बढ़ेगा। आगे बढ़ते हैं कुंभ राशि में। सुख समृद्धि बढ़ेगी। आर्थिक निवेश में सोच समझ कर निर्णय लेने पर लाभ होगा। स्वाध्याय में रुचि बढ़ेगी। परिवार समाज में आपका महत्व बढ़ेगा। लेकिन ध्यान रहे, कम बोले और अच्छा बोले। और आगे देखते हैं मीन राशि के बारे में जान लीजिए। आज लाभ होने की संभावना है। पुराने मित्रों से मुलाकात हो सकती है। व्यापार व्यवसाय में चल रही उलझनों से परेशान रहेंगे। किसी परिजन के साथ अपने विशेष कार्य की पूर्ति के लिए देव स्थलों का भ्रमण करेंगे। एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। मुश्किल इस राह में मुस्कान नहीं छोड़ूंगी। ऊंचाई की चाह में स्वाभिमान नहीं छोड़ूंगी। महुआ विधानसभा क्षेत्र के दोनों प्रखंड के अंतर्गत विभिन्न पंचायतों में पिछले 3 सालों से मेडिकल कैंप लगाकर लोगों की सेवा में तत्पर। कोरोना जैसे महामारी को आए हुए 5 महीने हो गए, जब शहर के सारे डॉक्टर और हॉस्पिटल बंद है, लेकिन इन्होंने इस संकट की घड़ी में भी लोगों की सेवा में लगे हुए हैं अपने अस्पताल के माध्यम से। पिछले 5 महीनों से कोरोना वायरस जैसे खतरनाक बीमारी से बचने के लिए लोगों के बीच साबुन मास्क का वितरण और लोगों के बीच घूम घूम कर इस बीमारी के खिलाफ सजग रहने की सलाह दी। महुआ विधानसभा क्षेत्र में मेडिकल कैंप के दौरान फ्री दवा का वितरण। क्यों करे विचार, ठीक तो है नीतीश कुमार। डॉक्टर आसमा परवीन, प्रदेश महासचिव जदयू बिहार, स्वभावी विधायक प्रत्याशी महुआ विधानसभा 126। संस्थान
मिशा क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड, जौहरी बाजार, हाजीपुर, वैशाली।